भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। 29 अप्रैल 2022 से खत्म होगी शनि देव की ढैया एवं साढ़े साथी। इन 5 राशियों को मिलेगा अपार धन तथा खुशियां। शनि देव जो कि सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश है, नव ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य पुत्र जो कि 29 अप्रैल 2022 से राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। शनि देवता जब किसी राशि पर आते हैं तो उसको अढ़ैया या फिर साढ़े साती शनि कहा जाता है। 29 अप्रैल 2022 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुक्रवार के दिन सुबह 7:51 से शनिदेव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि देवता जिस राशि पर रहते हैं उसकी एक पिछली राशि और एक अगली राशि यानी कुल मिलाकर के 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती रहती है। वहीं जिन राशि से शनि देव चौथे और आठवें रहते हैं उनको अढ़ैया यानी ढैया शनि रहता है। तो शनि देवता चूंकि वर्तमान समय में मकर राशि में चल रहे हैं और धनु, मकर और कुंभ इन 3 राशियों को साढ़े साती शनि चल रहे हैं, वहीं 2 राशियों को अढ़ैया चल रहे हैं। मिथुन तथा तुला राशि दोनों को अढ़ैया शनि चल रहे हैं। लेकिन 29 अप्रैल 2022 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुक्रवार के दिन सुबह 7:51 से शनि देवता मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब शनि देवता कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सबसे अच्छी बात है कि धनु राशि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी तथा मिथुन एवं तुला राशि का अढ़ैया शनि समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 3 राशियां शनि देव से मुक्त हो जाएगी, यानी शनि देव का इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कुप्रभाव नहीं होगा। और मकर और कुंभ ये 2 राशियां शनि के स्वामित्व वाली राशि है, इसलिए कुल मिलाकर के मिथुन, तुला, धनु, मकर एवं कुंभ इन 5 राशि वालों को अपार धन की प्राप्ति होगी तथा इनको रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। और ये लोग यदि बेरोजगार है तो इनको नया रोजगार प्राप्त होने का भी उत्तम योग बनने वाला है तथा इनके घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा, पदोन्नति होगी। और यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में उन्नति और प्रगति इनको प्राप्त होगी। और यह स्थिति 11 जुलाई 2022 तक निरंतर बनी रहेगी। उसके बाद 12 जुलाई से आगे की जो तारीख है उस तारीख तक यानी लगभग 31 दिसंबर तक शनिदेव पुनः मकर राशि में विचरण करेंगे। तो 29 अप्रैल 2022 से शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह मिथुन, तुला, धनु, मकर एवं कुंभ इन 5 राशि वालों को सबसे अधिक फायदा देने वाला है। यानी धनु राशि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, वहीं मिथुन और तुला राशि का अढ़ैया शनि यानी ढैया शनि समाप्त हो जाएगा। साढ़े साती का मतलब होता है 7.5 साल तक शनि देव का प्रभाव होता है, उसे साढ़े साती कहा जाता है। अढ़ैया यानी ढैया शनि का मतलब होता है कि आपकी राशि से शनि देव की राशि यदि चौथी या आठवीं है तो आपको अढ़ैया शनि रहेगा। तो मिथुन और तुला राशि का अढ़ैया शनि समाप्त हो रहा है, वहीं कर्क एवं वृश्चिक राशि को अढ़ैया शनि देव प्रारंभ हो जाएंगे। यानी 29 अप्रैल को जब शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर, कुंभ एवं मीन इन 3 राशि वालों को साढ़े साती शनि रहेंगे, वहीं कर्क एवं वृश्चिक राशि वालों को अढ़ैया शनि रहेंगे। कुल मिलाकर के 5 राशियां शनि देव से प्रभावित रहेगी, लेकिन मकर और कुंभ राशि वालों को शनि का अधिक प्रभाव नहीं होगा, यानी शनि का अशुभ प्रभाव इनको कम होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन, तुला, धनु, मकर एवं कुंभ इन 5 राशि वालों को शनिदेव सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। शनिदेव जब जब भी राशि परिवर्तित करते हैं तो सभी 12 राशि वालों को प्रभावित करते हैं।
जन्म कुंडली में यदि शनि देव का संबंध अशुभ ग्रहों से है अथवा महादशा अंतरदशा अशुभ चल रही है तो उनको अधिक अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि देव उच्च राशि में है या फिर शुभ स्थिति में है, पावरफुल स्थिति में है और शक्तिशाली ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साढ़े साथी और अरैया शनि आर्थिक चिंताओं को प्रदान करते हैं। इसके अलावा शनि के कारण अकारण जो है विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है, व्यर्थ के कलह भी उत्पन्न हो जाते हैं और कई प्रकार की व्यर्थ चिंताएं भी आपको सताने लगती है। यदि जन्म कुंडली में शनि अष्टमेश या मार्केश हो तो आपको जो है शनि के कारण कई प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि देव को सर्वोच्च न्यायाधीश माना गया है, इसलिए यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, नेक कार्य करेंगे, ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करेंगे तो आपको शनिदेव अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं यदि आप गलत कर्म करेंगे, बुरे काम करेंगे, झूठ बोल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे तो शनिदेव आपको दुष्परिणाम प्रदान करेंगे। जितना आप गलत काम करेंगे उतने ही शनिदेव आपको गलत परिणाम प्रदान करेंगे। इसलिए यदि आप शनि के अच्छे फलों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गरीबों की मदद करना चाहिए, मजदूर वर्ग की सहायता करना चाहिए तथा जो भी जरूरतमंद लोग हो उनको वस्त्र दान करना चाहिए, उनको भोजन का दान करना चाहिए और असहाय लोगों की, पीड़ित लोगों की मदद करना चाहिए। तो शनि के शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाना चाहिए, काला कपड़ा चढ़ाना चाहिए, काले उड़द चढ़ाना चाहिए, काले तिल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा काले तिल में सरसों का तेल मिला करके यदि शनिवार के दिन आप काली गाय को खिलाएंगे तो शनिदेव कितने भी कुपित हो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उत्तम परिणाम प्रदान करेंगे। और यदि आप शनिदेव से बहुत ज्यादा प्रभावित है, शनिदेव की साढ़े साथी या अड़ैया शनि से आप बहुत ज्यादा परेशान है तो आपको एक काजल की डिब्बी लेना है और काजल की डिब्बी को ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए सिर से लेकर के पांव तक आपको 21 बार उतारना चाहिए और उस काजल की डिब्बी को लेकर के आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के पहले पहले किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिएगा। आपके जीवन में जो भी शनिदेव से संबंधित परेशानी होगी, शनिदेव की जो भी अड़ैया होगी या साढ़े साथी होगी वो समाप्त हो जाएगी और शनिदेव आपके जीवन में खुशियां प्रदान करेंगे, धन धान्य प्रदान करेंगे, आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं वो पूर्ण कर देंगे। क्योंकि शनिदेव रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं। शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, शनिदेव जब कृपा बरसाते हैं तो वो बिल्कुल दिल खोल कर कृपा बरसाते हैं और जब शनिदेव लेते हैं तो वो पूरी तरह से मनुष्य को कंगाल करके ही छोड़ते हैं। तो 29 अप्रैल 2022 से शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और साढ़े साथी शनि का प्रभाव क्रमशः मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर रहेगा तथा अढ़ैया शनि का प्रभाव कर्क एवं वृश्चिक राशि पर रहेगा। तो साढ़े साथी से प्रभावित जो सबसे पहली राशि है वो मकर राशि होगी। इस राशि वालों को उतरती हुई साढ़े साथी के प्रभाव के कारण जो है व्यापार में प्रगति होगी, धन धान्य की समृद्धि इनको प्राप्ति होगी और इनका प्रभाव बढ़ेगा तथा इनके कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगी। राज्य पक्ष से इनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यदि नौकरी करते हैं तो इनको पदोन्नति प्राप्ति का भी योग बनेगा। यदि कोर्ट कचेरी में कोई मामला या केस चल रहा है तो उसमें इनको सफलता की प्राप्ति मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य के आयोजन होंगे, सुख संपदा की वृद्धि होगी, स्थायी संपत्ति जैसे भूमि भवन या फिर कोई भी जमीन खरीदने का भी योग इनके लिए बनने वाला है। इसके बाद जो दूसरी राशि है जो कि साढ़े साथी से प्रभावित होगी वो कुंभ राशि है। इस राशि वालों को मध्य की साढ़े साथी शनि के प्रभाव से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा
और शारीरिक कष्ट इनको हो सकता है, लेकिन मान सम्मान पदोन्नति इनको प्राप्त होगी, धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा भी इनको मिलेगा, व्यापार में इनकी उन्नति और प्रगति भी होगी, और घर में कोई समस्या चल रही है तो उनका निदान भी इनको मिल जाएगा। इसके बाद जो अगली राशि है जिसके ऊपर साढ़े साथी रहेगी वो मीन राशि है। इस राशि वालों को सिर पर चढ़ती हुई शनि की साढ़े साथी रहेगी। इसके कारण मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति अधिक रहेगी। रक्त विकार यानी ब्लड प्रेशर की स्थिति इनके साथ बन सकती है। अधिक परिश्रम इनको अधिक करना पड़ेगा। प्रगति के लिए इनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी जिसका लाभ इनको कम मिलेगा, यानी मेहनत अधिक करेंगे और परिणाम इनको कम देखने को मिलेंगे। रिश्तेदारों पर इनका खर्च होगा और जो काम ये करने जा रहे हैं उसमें कई प्रकार की बाधाओं का, रुकावटों का सामना भी इनको करना पड़ेगा। इसके बाद अढ़ैया शनि दो राशियों पर रहेंगे, कर्क एवं वृश्चिक। तो कर्क राशि वालों के लिए लघु कल्याणी यानी ढाई साल के लिए शनिदेव आ रहे हैं और इसके कारण इनके शत्रुओं की वृद्धि होगी और इनके घर परिवार में तनाव और दबाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी। शारीरिक परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आर्थिक लाभ इनको होगा लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद ही इनको पैसा मिलेगा। ब्लड प्रेशर की स्थिति बन सकती है। व्यापार में चिंताएं उत्पन्न होगी और राजकीय कार्यों में, शासकीय कार्यों में इनको कई प्रकार की बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरी राशि है जिसके ऊपर शनिदेव का अढ़ैया का प्रभाव रहेगा जिसे ढैया शनि कहा जाता है, वो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि वालों को लघु कल्याणी अढ़ैया शनि रहेगा। इसके प्रभाव से शारीरिक कष्ट तो होगा लेकिन कार्यक्षेत्र में भी बहुत अधिक इनको दबाव का सामना करना पड़ेगा और इनको जो है पदोन्नति का योग रहेगा लेकिन पदोन्नति में कई लोग बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इनके कुछ निकटतम मित्र या रिश्तेदार इनके कार्य में गुप्त रूप से जो है बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव का व्यापक प्रभाव सभी को देखने को मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार तो साढ़े साथी और ढैया आता ही रहता है, वैसे कई व्यक्तियों के जीवन में दो तीन बार भी शनिदेव का जो है अढ़ैया और साढ़े साथी का प्रभाव आता ही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य शनिदेव के अढ़ैया और साढ़े साथी से अक्सर परेशान रहते हैं, तो उनको शनिवार के दिन किसी भी पात्र में तेल रख करके, यानी स्टील के या लोहे के बर्तन में तेल रख करके, लोहे की कढ़ाई में तेल रख करके, उसमें अपना मुंह देख करके आपको शनिदेव के मंदिर में उस तेल का दान कर देना चाहिए, या फिर शनिदेव आपके मोहल्ले में आते हैं उनको भी आप दान कर सकते हैं। शनिदेव का जो बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस महामंत्र का यदि आप 23,000 जाप करके इसका दशांश हवन करते हैं तो निश्चित तौर से शनिदेव आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि वो निरंतर प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।